चिश्तियां शहर का कदीमी कब्रिस्तान चार दीवारी से महरूम है। जानवर कब्रें मस्मार कर रहे हैं तो दूसरी जानब म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहर भर का कूड़ा क्रिकेट भी यहां लाकर फेंकने लग गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद रफीक से। जी अहमद, क्या तफसीलात हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तियां के मरकजी कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 400 एकड़ से भी ज्यादा पे मुश्तमिल है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। शहर भर का जो कूड़ा करकट है इंतजामिया इकट्ठा करके कब्रिस्तान में वो फेंक जाती है। हमारी जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि कूड़ा करकट के लिए एक अलग से जगह बनाई जाए ताकि यहाँ पे गंदगी ना फैल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जानवर भी कब्रों का मिसमार करने पे लगे हुए हैं। और इस हवाले से इंतजामिया को चाहिए कि ये जल्द अज जल्द इसको सफाई करवाई जाए। अगर बात की जाए कब्रिस्तान के हवाले से तो ये चार दीवारी से बिल्कुल महरूम है। मुतद्दद बार इंतजामिया को आगाह किया गया, महकमा औकाफ को आगाह किया गया, लेकिन अभी तक इंतजामिया इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही। और अगर हम बात करें तजावजात के हवाले से तो यहाँ पे दिन ब दिन ये जो महकमा औकाफ की करोड़ रुपए मालियत की जगह है ये पुख्ता तमीरात का जो सिलसिला वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ पे पक्के मकान बना बना के बकायदा अब तो फरोख्त भी करने लग गए हैं, जिस पे इंतजामिया बिल्कुल ला इल्म है। इंतजामिया शहरियों ने ये पुरजोर मुतालबा किया है इंतजामिया से कि इस बात का नोटिस ले, तजावजात को बिल्कुल खत्म करवाया जाए और इसकी चार दीवारी करवाई जाए ताकि यहाँ पे दूर दराज से जो दुआ करने के लिए आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर उनको सुख का सांस मिल सके। जी।